नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। हमारे साथ मनदीप नथवाल जुड़ रहे हैं, हमारे साथ खास बातचीत में पगड़ी सवाल जट्टा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसान नेता हैं मनदीप नथवाल जी। मनदीप नथवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। थैंक यू जी, नमस्कार। मनदीप नथवाल जी, आजकल आप विरोध प्रदर्शन पगड़ी सवाल जट्टा के जो आपकी पूरी टीम है, आप प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, अशोक तंवर का विरोध झंडे लेके और काफी हाव उलट देखा गया किसानों द्वारा, वो ही विरोध प्रदर्शन आप रणजीत सिंह चौटाला जो हिसार से सांसद का चुनाव लड़ रहे बीजेपी के टिकट से, और अशोक तंवर सिरसा से लड़ रहे हैं चुनाव, तो कहने की आप इनका विरोध प्रदर्शन करते देखे गए हैं, तो ये क्या चल रहा है? आपने कहा कि जो भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, उनसे हमारे सवाल हैं, किसी भी प्रोग्राम उनसे हम सवाल पूछेंगे, तो क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप उनसे? देखिए, 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो एक नारा लगाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 10 साल बीत जाने के बाद महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों पे हमले हुए हैं। अभी आप देख सकते हो कि दिल्ली किसान जा रहे थे तो रास्ते में कील लगाए गए, दीवारें निकाली गई। मान लो ये आजाद देश में पहली सरकार ऐसी बनी है जो लोगों के मौलिक अधिकार खत्म कर रही है, और साथ ही साथ जब सत्ता में बीजेपी आई थी तो ये एक बात कह रहे थे कि किसानों मजदूरों को कर्ज से मुक्ति करें, मुक्ति दिलाएंगे, मगर किसानों को तो कर्ज से मुक्ति नहीं दिलाई, उल्टा कारपोरेट को 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, उनका कर्ज छोड़ दिया गया, किसान मजदूर को नहीं छोड़ा, फसलों पे MSP नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि गोली तक किसानों के ऊपर चलाई गई, मतलब ये फायर सीधे किसानों के ऊपर चलाए गए। ये आजादी के बाद पहली सरकार ऐसी बनी है जो लगातार लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, तो इसलिए हमने सवाल किए हैं, जिसमें मणिपुर की घटना है, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटना हुई उस पर बीजेपी जवाब दे, और कॉरपोरेट को तो पैसा छोड़ा है मगर किसानों को क्यों नहीं छोड़ा इस पर जवाब दे, दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा इस पर जवाब दे, चंडीगढ़ क्यों नहीं किसानों को जाने दिया जाता इस पर जवाब दे। ये सारे इशू, इसमें 18 इशू हमने इसमें उठाए हैं, जिसमें मजदूरों के इशू है, मनरेगा जो काम है उसको खत्म किया जा रहा है, BPL कार्ड काटे जा रहे हैं, लोगों को फैमिली आईडी के नाम से चक्कर कटवाए जा रहे हैं, ये सारे मसले इन पे हम सवाल कर रहे हैं, मगर इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपने देखा होगा कि सरसा फतेहाबाद, सरसा जो लोकसभा सीट है उसका जो उम्मीदवार है वो जवाब नहीं दे रहा, और आज हिसार के अंदर रणजीत सिंह चौटाला को गांव-गांव में लोगों ने सवाल किए, तो ये हमने एक लोकतांत्रिक तरीके से सवाल करने की जो प्रक्रिया शुरू की है, तो शायद ये पहली बार हो रहा है कि लोग वोट लेने वाले से सवाल कर रहे हैं, आमतौर पर ये देखा गया था वो हार डलाकर काजू खाकर लड्डू खाकर वापस चले जाते थे, मगर अब लोग सवाल कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि लोगों ने अपने अधिकारों को पहचाना है कि हम इनसे सवाल करें, ये 5 साल बाद आए हैं, इन्होंने 5 सालों में हमारा क्या नुकसान किया, क्या फायदा किया, लोग पूछ रहे हैं जी। मनदीप नथवाल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। चलो, बहुत अच्छी बात, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पगड़ी समाज जट्टा के, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप झंडे डंडे के साथ मैदान में उतरे हैं किसानों के साथ, और काफी प्रदर्शन आपके देखे गए हैं रणजीत चौटाला के खिलाफ भी, अशोक तंवर के खिलाफ भी गांव गांव में, लेकिन आचार संहिता लगी हुई है फिलहाल, और वहां पे बीजेपी मुर्दाबाद, और वहां पे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं जो गरीब रिक्शा वाले टैक्सी वाले जो पोस्टर लगा के गांव गांव में घूम रहे हैं, तो आचार संहिता लगी हुई है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कुर्सियां बगाई जा रही है, तो ये कौन सा सवाल कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए, शांति से कीजिए, आप वोट की चोट से मारिए बीजेपी को, लेकिन हक सबका है, क्योंकि प्रजातंत्र आप खुद बोल रहे हैं लोकतंत्र है प्रजातंत्र है, बोलने का आने का आजादी सबको है, तो इस समय आप पर्टिकुलर एक पार्टी के खिलाफ जो भी आचार संहिता लगी हुई उनका अब मारना है तो वोट की चोट से उनको मार सकते हैं, लेकिन ये क्या कुछ जानना चाहेंगे, ये क्या हो रहा है इस तरीके से? देखिए,
हमारा संघ ने जो लाइन तय कर रखी है हम लोकतंत्र के तरीके से ही सवाल कर रहे हैं, मगर जो बीजेपी ने झूठ इतने बोले हैं कि लोगों में आक्रोश है, आम लोग बीजेपी को घेर रहे हैं। मान लो बीजेपी तो गोली तक चला रही थी, बीजेपी लठ मार रही थी, तो तब भी ये सवाल उठने चाहिए थे। अब मान लो बीजेपी का पोस्टर फाड़ने से मान लो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये गैर लोकतांत्रिक तरीका है, मगर ये हम भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा घटना हो जिससे मान लो ये संदेश जाए भी ये धक्का हो रहा है। हम तो कहते हैं हम इस देश में सब लोगों को बोलने की आजादी है, वो अपना वक्तव्य दे, अपना बताए हमने 10 सालों में क्या अच्छे काम किए हैं, और काला धन वापस आया कि नहीं आया विदेश से, वो जो 15 लाख रुपए मोदी साहब कह रहे थे इस खातों में आ जाएंगे लोगों के, आए कि नहीं आए, उसमें स्पष्टीकरण दे। मतलब यदि वो अपने कार्यकाल में ठीक काम किया होगा तो लोग उनको वोट करेंगे, मगर ये पहला चुनाव ऐसा होगा जिसका विरोध इतना ज्यादा है सत्ता पक्ष के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने दमन ही इतना किया है, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या ही इतनी की है कि लोगों का विश्वास उठ गया है कि वो कह रहे हैं ये लोग जबरदस्ती चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन हुए, वो उस इलेक्शन को कैसे उन्होंने 8 वोटें ऐसे उन्होंने रेफरी कर ली, 36 वोटों में से 8 वोटें चुरा ली, तो वो तो सीसी कैमरा लगा हुआ था, तो कोर्ट के माध्यम से जाके आ रही। मंदिर नथवाल जी, तो सबको पता है, सबने देखा है, हम आज करेंगे मुद्दे की बात, आज करेंगे चुनाव को लेके बात, वो बातें सब जग जाहिर हो चुकी है, पुरानी बातें जो ही बता रहे हैं, जिस तरीके से दोबारा मेयर बना आम आदमी का, लेकिन आज की जो हम हालत देखें, वोट मांगने का, गांव गांव में जाने का सबको हक है, लेकिन हम आचार संहिता लगी हुई है, आप शांति तरीके से बातचीत कर सकते हैं, आपको गांव में जाके वोट ना देने की अपील कर सकते हैं लोगों से, लेकिन ये यहाँ पे पोस्टर फाड़ना, कुर्सियां भगाना, प्रोग्राम का बहिष्कार नहीं, प्रोग्राम नहीं होने देना, बीजेपी मुर्दाबाद बोलना, तो एक पर्टिकुलर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन है या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और अभी कोई सरकार भी नहीं है तो किसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है फिलहाल? जो बीजेपी है वो देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है, बीजेपी देश की आजादी के लिए खतरा बन चुकी है। अभी आप कह रहे हो कुर्सियां भगाना, इसकी ये तो हमने कहीं कहा है नहीं कुर्सियां भगा दो, हम तो कहते हैं ये माइक पकड़ के बात करें हमारे से, यानी खुलम खुला सवालों का जवाब दे। कल मुख्यमंत्री रतिया के अंदर आ रहे हैं, आज सारा प्रशासन जब मीटिंग कर रहा था वो कह रहा था क्या बात करना चाह रहे हो, हम क्या हमारे सवालों का मुख्यमंत्री जवाब दे, क्यों नहीं बाढ़ का मुआवजा मिला बताओ, 7,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान हुआ था, क्यों नहीं हमें दिया गया, क्यों हमें ये बीमा कंपनियां लूट रही हैं, क्यों किसान परेशान हो रहे हैं मंडियों के अंदर, क्यों ये लगातार महंगाई बढ़ रही है, ये सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब दे दे मुख्यमंत्री। हमारा विरोध हम लोकतंत्र के तरीके से कर रहे हैं, लोकतंत्र में किसी का विरोध किया जा सकता है, मगर जो आप कह रहे हो कुर्सियां भगाने वाली बात, हमारा संगठन कभी भी नहीं कहता कि आप डंडे से को काम करो, लठ से को काम करो, हम कहते हैं हम विचारों वाले लोग हैं, विचारों से सवाल जवाब, विचार एक ऐसे विचारधारा के साथ हम काम करते हैं जो भगत सिंह की विचारधारा है जी। तो भगत सिंह ने भी कहा था भी ऐसी आजादी जहाँ सब लोगों को समान शिक्षा मिले, रोजगार मिले, मगर ये सवाल है, इन सवालों का जवाब तो सत्ता में बैठे लोगों को देना पड़ेगा। तो इसलिए अब बीजेपी को ये तकलीफ हो रही है भी लोग ये सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार का चुनाव मोदी के नाम से जीत लिया, भी मोदी एक ऐसा व्यक्ति है कि शायद वो देश की कायाकल्प करेगा, मगर अब देखा अभी मोदी ने तो बीफ कंपनी से भी चंदा लिया है, अभी ताजा घटनाक्रम है, वैक्सीन वाली कंपनी से भी चंदा लिया है, कैसे उसने पैसा इकट्ठा किया है, कैसे ईडी की दर से नेताओं को खरीदा है, ये सारे सवाल है लोगों के मनों में वलवले हैं, वो लोग पूछने के लिए आ रहे हैं, मगर हाँ ये ठीक है कि तरीका हमारा बिल्कुल शांति में होना चाहिए, कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की आजादी खत्म हो जी। तो पर्टिकुलर आप सरकार तो अभी फिलहाल तो आचार संहिता कोई है ही नहीं, ये विरोध प्रदर्शन आगे जारी रहेगा या पूरा हरियाणा में करेंगे आप, क्या विरोध प्रदर्शन का रुख क्या रहेगा, खाली पर्टिकुलर आप बीजेपी के खिलाफ हैं या फिर कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये किस तरीके का आगे का आपका रहेगा पूरा? ये सारे देश में रहेगा, हरियाणा के अंदर खासतौर पर रहेगा, क्योंकि संगठन हमारा हरियाणा के अंदर है। हम तो सब लोगों से कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष ये जवाबदेही है जनता के, और 75 सालों में आज भी हम इलाज क्यों नहीं करवा पा रहे, 75 साल की आजादी में आज भी हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है,
शिक्षा के बाद रोजगार नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेवार लोग हैं? वो इसलिए हम सब सब लोगों से सवाल करना चाहते हैं, हम सत्ता पक्ष। तो क्या कांग्रेस के लोग आ रहे हैं उनसे भी आप सवाल जवाब कर रहे हैं? बिल्कुल सवाल करेंगे जी। अब तक कोई प्रदर्शन देखा नहीं गया उनके खिलाफ, नारेबाजी या उनसे कोई बातचीत करते हैं? अब तक कोई वीडियो आपकी देखी नहीं? 10 सालों से कांग्रेस बाहर है, 10 सालों से कांग्रेस बाहर है। हम सवाल उनसे करेंगे, आप जीतते हैं तो क्या करोगे? कोई आदमी कहेगा मेरे को वोट दो, तो आप जीतने के बाद कौन सी नीतियां लागू करोगे? हमें MSP मिलेगी या नहीं मिलेगी, कर से मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सवाल है। सवाल सब लोगों से करेंगे, मगर इसके लिए बीजेपी इसलिए खतरनाक मान रहे हैं कि बीजेपी लोगों के मौलिक अधिकार खत्म कर रही है। बीजेपी धर्म और जात के नाम पे लोगों को लड़ा रही है, इसलिए बीजेपी का डटना होगा। अपील कर रहे हो वोट देने की? अब क्या आप किसी को अपील भी करो इस पार्टी को जिताइए ये सही है? फिलहाल हम कह रहे हैं बीजेपी हराओ, हमने किसी पार्टी हराओ तो सीधा कांग्रेस बीजेपी के सामने टक्कर में है, हमने सीधा सा उनको वोट जाएगा, तो बीजेपी का हराने का मतलब वो कांग्रेस बीजेपी हराने की इसलिए अपील कर रहे हैं। ये तो हमें प्रदर्शन करने की आजादी खत्म कर रही है हमारी, ये तो दिल्ली जाना, जो बीजेपी जीतती है तो परमानेंट दिल्ली पे रोक लग जाएगी, ये गोली चला रही है हमारे ऊपर। आप खुद मैदान में उतर रहे हैं, पगड़ी संभाल जट्टा की टीम खुद किसान जो है अपने लोकसभा उम्मीदवार उतार रहे हैं जब हरा रहे हैं बीजेपी को, या कांग्रेस के समर्थन में खड़े हैं आप लोग? हमारा संगठन किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, हम बीजेपी को, मैंने इसलिए कहा भी बीजेपी इसलिए हरा रहे हैं क्योंकि बीजेपी बोलने की आजादी समाप्त कर रही है, तो इसलिए हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे खुल के। हम तो कहते हैं सिर्फ बीजेपी आ रहा, मतलब बीजेपी आती कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस के खिलाफ भी हमें लड़ना पड़ेगा, ये हमें मतलब इस पर कोई शंका नहीं है, क्योंकि संघर्षों से ही मतलब जो है किसान का भला हो सकता है, तो इसलिए हमारा संगठन भी चुनाव तो नहीं लड़ रहा है, मगर हमारा संगठन गैर राजनीतिक नहीं है। हम ये खुले मंच से कहते हैं कि हम भगत सिंह के विचारों की राजनीति करते हैं, ऐसी व्यवस्था जहाँ कमाने वाला ठीक जिंदगी जी, ऐसी व्यवस्था देश में लाना चाहते हैं। तो अब लगातार आपके विरोध प्रदर्शन चाहिए, जो अभी आज कल जितने भी ये प्रोग्राम हो रहे हैं लगातार आप सब जगह जा रहे हैं, झंडे दिखा रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, तो ये लगातार जारी रहेगा ये आपका? बिल्कुल जी, बीजेपी को हराएंगे हर हाल में, और लगातार ये सवाल जवाब करेंगे, वो बीजेपी के नेताओं से बनती जो जवाब है वो जवाब देने चाहिए हमारे, मगर वो जवाब से भाग रहे हैं। तो पूरे हरियाणा के अंदर तो हम जाएंगे अंदर, सारे देश के लोगों को निवेदन करेंगे कि यदि बीजेपी सत्ता में इस बार आ जाती है तो शायद ये देश का आखिरी चुनाव ना हो, क्योंकि इतना खतरनाक तरीके से लोकतंत्र का खात्मा बीजेपी कर रही है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो ये जो प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं, इसका एजेंडा आपका सीधा सा किसानों को लेके ही है, बाकी इसके नीचे जो आपका जो पगड़ी समाज जट्टा जो भी आपका यूनियन संगठन है, कोई मकसद इसके बैकग्राउंड में कुछ और तो नहीं है? नहीं बिल्कुल, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं भी, हम किसान और मजदूरों की बात कर रहे हैं, कमेरे वर्ग की बात करने वाले, इसमें दो वर्ग है देश के अंदर, एक तो कमाने वाला एक लूटने वाला, लूटने वाले के खिलाफ है और कमाने वाले के पक्ष में है। और मैंने पहले स्पष्ट किया है कि संगठन गैर राजनीतिक नहीं है हमारा, हम राजनीति करते हैं, और राजनीति है जो भगत सिंह के विचारों वाला समाज बने, जहाँ हर व्यक्ति को अपना हक मिले, ऐसा समाज बनना चाहिए, ऐसा देश बनना चाहिए, ये कल्पना इसी जो कल्पना भगत सिंह ने की थी उसी दिशा की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम किसी को गुमराह नहीं करना चाहते भी, आप करना क्या चाहते हैं। तो ये एजेंडा आपका पहले से ही तैयार था, हम बीजेपी का विरोध करेंगे चुनाव के अंदर हर हालत में विरोध करेंगे, उनको हराने के लिए जी जान एक कर देंगे। बीजेपी RSS की विचारधारा जो है देश में हमेशा गुलामी की प्रतीक रही है, आजादी के आंदोलन में भी बीजेपी की जो RSS है जो अंग्रेजों के साथ थी, इसलिए बीजेपी का तो हमारा शुरू से ही विरोध है, क्योंकि ये धर्म और जात के नाम पे लोगों को बखेड़ा खड़ा करती है, ये कभी हिंदू मुसलमान का दंगा करवाती है, कभी सिख का दंगा कराती है, इसलिए भी बीजेपी ज्यादा खतरनाक है, तो बीजेपी को हराने की अपील इसलिए कर रहे हैं जी। नथवाल जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पगड़ी समाज जट्टा के, आप पे पूरा दायित्व है, पूरे हरियाणा प्रदेश के आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं, और फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी है आपके, तो हम भी चाहेंगे आपके विरोध प्रदर्शन हो लेकिन शिष्टाचार और सही तरीके से हो, चुनाव लड़ना एक अलग मैटर है, आचार संहिता लगी हुई है, तो अभी कोई पार्टी सत्ता में है नहीं, अब बाद में आचार संहिता हटेगी उसके बाद सरकारें बनेंगी,
उसके बाद लगातार फिर दोबारा से सरकार कौन आएगी कौन जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चलते चलते हरियाणा के लोगों को वो कुछ कहना चाहेंगे भारत के लोगों? मैं हरियाणा के लोगों से निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि इस बार ये मतदान देश की आजादी को बचाने का मतदान है, तो इसलिए बीजेपी का डटमा विरोध करें, क्योंकि बीजेपी देश में लोकतंत्र खत्म कर देगी। तो अशोक तंवर को सिरसा से लोकसभा की टिकट ठीक है, किस तरीके से देखते हैं? और रणजीत चौटाला जो हिसार आपके सिरसा से आते हैं वो भी, उनको किस तरीके से देखें, कैसे नेता है आपकी नजर में? देखिए तंवर साहब तो पत्नी कितनी पार्टियां बदल गए हैं, अब तंवर साहब अपना पिछला जो हार वाला रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे, उससे ज्यादा वोटों से इस बार फिर आ रहेंगे। रणजीत सिंह चौटाला की भी मतलब आखिरी इलेक्शन हो कहूंगा मैं, क्योंकि बड़ी उम्र के नेता है, आखिरी इलेक्शन हो सकता है, इसके बाद शायद उनको कभी जीत नसीब ना हो। हरियाणा के 10 की 10 सीटों पे हरियाणा के लोग बखूबी समझ गए हैं कि किसी को मूर्ख बना के लंबा समय नहीं चला जा सकता है। लोग सवाल जवाब भी करेंगे, लोग इन लोगों को इस बार मैदान से भगाएंगे भी हराएंगे भी, ऐसा हमारा मानना है। तो सरकार तो कहती है अच्छी सड़कें बना के दे दी, हमने शिक्षा चिकित्सा सुविधा सुधारी है, स्कूलों का डेवलपमेंट भी किया है, सड़कें बहुत अच्छी बना दी है, बड़े बड़े राजमार्ग बना दिए हमने, लोगों को बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरियां दी, हर गांव में 100-100 डेढ़ तो बच्चे नौकरियां लग चुके हैं बिना खर्चे बिना पर्ची की। ऐसी नौकरी है जिसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं, पेंशन स्कीम खत्म कर दी गई है, और साथ ही साथ हमने क्या बड़े बड़े राजमार्ग बना दिए, ये मार्ग तो कंपनियों ने बनाए हैं, इस पे तो चढ़ोगे तो टैक्स लगता है, टोल टैक्स देना पड़ता है, एक तो रोड टैक्स पर गाड़ी लेते साथ लगता है और दूसरा टोल टैक्स देना पड़ता है। तो ये सरकार मान लो हर चीज को प्राइवेट कर दिया है, ये स्कूल खत्म कर दिए गए हैं, जो सरकारी स्कूल है उनको खत्म किया जा रहा है, तो ऐसा ऐसा सरकार सारे संसाधनों पे अडानियों बाणियों का कब्जा होने जा रहा है देश में। तो इसलिए मोदी साहब कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, मोदी की MSP भी गारंटी क्यों नहीं है, देनी चाहिए मोदी को MSP भी गारंटी, मोदी को देनी चाहिए शिक्षा पे गारंटी, शिक्षा पे गारंटी क्यों नहीं, मोदी को देनी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा पे गारंटी, वो मणिपुर की घटना है आप सब लोगों के सामने, इसलिए बंगाल की घटना का भी तो जिक्र करना चाहिए आप किसानों को नेताओं को सब। बंगाल में तो इनके नेता पगड़ी वाले को खालिस्तानी कह रहे थे, यदि कोई बंगाल में गलत हो रहा है तो हम उसकी भी बहुत बड़ा गलत हुआ है बंगाल में पीछे सारे आम लोग आई होंगे, आपने देखा होगा पूरे भारत में देखा पूरे इंडिया में, कहता हूँ कहीं भी गलत हो हर गलत चीज का विरोध होना चाहिए चाहे कोई गलत करे, लेकिन आपकी जुबान पे एक बार भी बंगाल का नाम नहीं आया खाली। अब नहीं बंगाल का नाम क्यों नहीं आया, बंगाल में यदि गलत हुआ तो उसका भी हम उसकी भी निंदा करते हैं, अपना आवाज एक बार भी नहीं उठा पाई कहने की आपने। बिल्कुल हम हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं जी। बंगाल में अभी एक सिख पुलिस ऑफिसर को खालिस्तानी कहा गया, वो मुद्दा है, मतलब हम तो हर इशू पे बोलना चाहते हैं, हम ना सत्ता पक्ष को छोड़ रहे हैं ना विपक्ष को छोड़ रहे हैं। तो मतलब आपको नहीं लगता चुनाव के बाद विरोध प्रदर्शन दोबारा आचार संहिता जब तक विरोध प्रदर्शन का कोई तुक नहीं बनता है, और जो ही चुनाव चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो अपने मुद्दों की लड़ाई दोबारा से शुरू की जाए, क्योंकि आचार संहिता में तो किसी की कोई पावर नहीं है, कोई सरकार नहीं है, सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता आचार संहिता जो ये दोबारा लागू हो नई सरकार बने उसके खिलाफ फिर धरना प्रदर्शन अपने शुरू हो अपनी मांगों को लेकर? नहीं देखिए हमने पहले से ही ये डिमांडें कर रहे हैं, पहले से ही मांग पत्र दे रहे हैं धरना। तो आपने एक बात बोला है कांग्रेस होगी तो उनके खिलाफ भी हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे और इसी तरह हमारे धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे, तो क्यों ना आम आचार संहिता तक सारे मैटर को ड्रॉप करें और चाहे कांग्रेस आई या बीजेपी आई उसके खिलाफ अपने मांगों को लेकर दोबारा धरना। पिछले 60-62 दिनों से जाखड़ तहसील को ताला लगा रखा है हमने, तब तो चार चेता नहीं थी, बाढ़ के लिए लोग बैठे हैं और वो 50 दिनों से ज्यादा मान लो उसको ताला लगा रहा है, अभी भी एक गेट बंद है उसका, एक ताला लोगों को की सुविधा के लिए खोल रहा है क्योंकि लोगों के काम रोक रहे थे, मतलब ये लड़ाई तो पिछले लंबे समय से चल रही है, सालों से चल रही है, पिछले 10 साल से चल रही है, ये वही मांगे हैं जो उन्हीं मांगों के हम केंद्रित है, इसलिए चार से ताकत इसमें कुछ। हाँ हम तो लोगों को जगा रहे हैं कि देखो ये लोग 5 साल बाद आए हैं, कोई कभी फिर आपको गुमराह ना कर जाए, कोई भी सारी लड़ाई है 10 साल से ही शुरुआत हुई, उससे पहले लड़ाई पहले भी है बिल्कुल। ये आजाद मतलब जब से आदमी इस धरती पर आया तब से वो संघर्ष करता रहा, संघर्षों से ही तब्दीली आई है जी। तो बहुत बहुत आने वाले समय में भी संघर्ष ही बदलाव लेके आएंगे, ये पार्टियां बदलाव नहीं लेके आएंगी।
जी। तो मनदीप नथवाल जी, आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए, अपनी बात रखी, बहुत बहुत थैंक यू। आपका कीमती समय लिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो हमारे साथ मनदीप नथवाल, मनदीप नथवाल जुड़े हुए थे पगड़ी संभाल जट्टा के प्रदेश अध्यक्ष थे, इनसे खास बातचीत की। तो मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24।